जहाँ पे दंगा फसाद हुआ, जहाँ पे दंगा फसाद हुआ था, वहाँ उस मोहल्ले में जब लोगों से भीड़ में पूछा गया कि किस कारण से गड़बड़ी हुई, किस कारण से चीख चित्कार हुआ, तो उन्होंने भीड़ में से किसी ने भी सटीक जवाब नहीं दिया, ठीक उत्तर नहीं दिया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, और फिर धीरे धीरे वहाँ से भीड़ छट गई। लेकिन जो एक हिंदू मुसलमान के भीतर का जो एक टेंशन था, एक तनाव का माहौल था, वो बना रह गया। और पुलिस ने बहुत कोशिश की सच्चाई जानने की, लेकिन वो किसी भी तरह से सच बात को पक्का पता नहीं लगा सके। और फिर तंग आकर के जो पुलिस के जो प्रधान थे, उन्होंने बताशे वाली गली और हनुमान गढ़ी में कर्फ्यू लगवा दिया। और क्या बोला, कड़ा पहरा और सख्त बर्ताव शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में बढ़ता जाए, ताकि बदमाश अपनी चौकड़ी भूल जाए। मतलब इतनी कड़ी कड़ा पहरा और कर्फ्यू इतना मजबूत कर दो कि जितने भी बदमाश हैं शहर में, सब अपना बदमाशी करना भूल जाए। सब समझ चुके थे कि नया अफसर सख्त है, किसी की सुनता नहीं है, जवान है और कानून का मतवाला है, यंग ऑफिसर है और ये किसी की नहीं सुनता है, ये बहुत कड़ा है, बहुत सख्त अफसर है। जैसे वो खुद जिसको सही समझेगा वैसा ही वो करेगा। मगर शहर के खाए पिए अधेड़ बदमाशों के हाथ खिलौना लग गया था, उसे चिढ़ाने और तपाने में उन्हें मजा आने लगा था। जो समाज हरदम बारूद के ढेर पर बैठा हो, वहां ऐसी दिल्लगी कितनी महंगी पड़ सकती है, इस बात की गंभीरता समझना उनका काम नहीं था। लेकिन जो बदमाश लोग, जो मैंने बोला कि स्वार्थी लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जो लोग निर्दोष लोग होते हैं उनको भड़का देते हैं और उनकी पीठ पर बंदूक रख के अपना फायदा उठाते हैं। तो ये बदमाश लोग भी शहर के ऐसे ही, उनको तो एक मौका मिल गया था दंगा हंगामा करने का और उन्होंने खूब इसका फायदा उठाया। अनुभवी दारोगा ताड़ गए थे कि इस हंगामे में भी उन्हीं का हाथ है। इस बात को वह अफसर से कह नहीं सकते थे, वरना उल्टा उन्हें ही लताड़ पड़ती कि भारतीय पुलिस की हैसियत यह हो गई है कि गुंडे बदमाश उनसे मस्खरी करें। तो जो लोग पुलिस के दारोगा लोग थे, उनको पता था कि ये तो बदमाशों का ही किया धरा है, तो लेकिन वो अफसर से ऐसी बात नहीं कर सकते थे कि उनको उल्टा डांट पड़ता कि बदमाशों की इतनी हिम्मत हो गई कि पुलिस वालों के साथ भी अब वो हंसी मजाक करना शुरू, मतलब इतना उनका उनकी इतनी हैसियत कि वो लोग पुलिस के साथ भी इस तरह से मस्करी करना शुरू करेंगे। उनको कोई पुलिस का कोई डर ही नहीं है उनके भीतर। नवरात्र शुरू होने वाला था, शहर में रौनक लगनी शुरू हो गई थी। लाउड स्पीकर से भजन कीर्तन का ऐलान सुनकर हनुमान गढ़ी वाले जितना फुर रहे थे, उनसे ज्यादा बताशे वाली गली के हलवाई माली और उनसे अधिक झुग्गी झोपड़ी वाले, जो इस आशा में साल भर रहते थे कि शक्तिपीठ में नवरात्र शुरू होने के साथ भंडारा खुल जाएगा और उन्हें भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, जिससे वे चार पैसे बचा पाएंगे। मगर यह कर्फ्यू की मुसीबत तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो नवरात्रि शुरू होने वाली थी और उसका जो भजन कीर्तन का जब आवाज आने लगा, तो दोनों मोहल्ले में बेचैनी सी होने लगी। क्यों? क्योंकि यही समय था, जो लोग व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उनको उनका इस समय व्यापार चलता था, और जो लोग गरीब थे वो लोग इसी ताड़ में रहते थे कि इस समय भंडारा खुलेगा और सबको मुफ्त में अच्छे भोजन खाने को मिलेगा। तो ये कर्फ्यू जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पुलिस वालों को अंदाजा हो गया था कि तनाव दम तोड़ चुका है,
मगर अफसर तो सबकी कमर की हड्डी तोड़ने का प्रण ले चुका था। दोनों मोहल्लों के गरीबों ने पछताना शुरू कर दिया था। सुस्ती और उदासी में बदल गई थी। मजदूर ने मजदूरी से हाथ धोया, दुकानदारों ने ग्राहकों से। चूल्हे तो दूसरे दिन से ही ठंडे पड़ने लगे थे। कर्फ्यू खुलता भी घंटे भर को तो खरीदारी का की ताकत किसमें थी। बताशे के बिना हनुमान जी का मंदिर सूना पड़ा था। चीटे चीटियां अलबत्ता बताशों का चूरा ढो ढो कर बिल भर रहे थे। आखिर कुछ दुकानदारों ने सलाह मशविरा कर एसपी को मनाने की बात सोची और कर्फ्यू खुलते ही सीधे थाने पहुंचे और अपनी विपदा कह सुनाई। तो ऐसे तो साधारण पुलिस वाले जैसे रामदीन हवलदार जैसे लोगों को पता चल चुका था कि अब दंगा हंगामा का कोई डर नहीं है। वो लोगों को अकल ठिकाने आ गई है। जब उनको पेट में खाना नहीं है तो क्या दंगा हंगामा करेंगे। लेकिन अफसर को कौन समझाए, उनको तो यही बात दिल में बैठ गई थी कि अगर कर्फ्यू हटाया तो फिर से दंगा शुरू हो जाएगा और फिर वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो सब लोग परेशान, दुकानदार परेशान, गरीब भिखारी परेशान, सबका कामकाज बंद, मजदूर लोगों का हफ्ता बंद, सब कुछ बंद। तो फिर एक काम किया दुकानदारों ने, उन्होंने प्लान किया कि जब कर्फ्यू खुलेगी तो जाके सीधे एसपी साहब से बात करते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है उनको बताते हैं कि कर्फ्यू हटा ले ताकि दुकान वगैरह खुल सके और सबका रोजी रोजगार चल सके। घर घर फाका है, न काम है, न रोटी है, न खरीदार है, न मुनाफा। ऐसी स्थिति में अब हमारी गलती माफ करें महाराज। तो ये लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज हमसे गलती हो गई, हर घर में खाना पकना बंद हो चुका है, लोग भूख से मर तड़प रहे हैं, प्लीज आप कर्फ्यू हटा दीजिए। बात तो ठीक ही कह रहे हो, मगर कर्फ्यू तभी हटेगा जब आपस में लड़ना छोड़ोगे। अफसर ने यही बोला कि सही बात है, लेकिन कर्फ्यू मैं तभी हटाऊंगा जब तुम दोनों हिंदू मुसलमान आपस में लड़ना बंद कर दोगे। यह तो बड़ी मुश्किल शर्त है। हम तो ठहरे अहिंसा के पुजारी, मगर उधर वालों से राम बचाए। चक्कू स्टोर वाले ने कान को हाथ लगाया। तो हिंदू दल बोलने लगा कि हम लोग तो राम जी के भक्त हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारा तो बिल्कुल अहिंसा नॉन वायलेंस में हमारा विश्वास है। ये पर दूसरे तरफ वालों को कौन समझाए। बहुत सीधे हो लाला तुम, बार बार पर धमकी कौन देता है। मुन्ना बड़े ही बिगड़ गया। अब जो मुसलमान दल था वो बिगड़ के बोलते हैं कि आहा ऐसा कर कहते हो जैसे सब कुछ हम ही लोग करते हैं और तुम लोग कुछ भी नहीं, बहुत सीधे हो तुम सब। तो वहीं पे दोनों दल में झड़प शुरू हो जाती है। देखा, बिना किसी कारण मेरे सामने भी शुरू हो गए। भागो यहाँ से, वरना सबको दंगा फैलाने के जुर्म में लॉकर में बंद करा दूंगा। राम सिंह, आज कर्फ्यू 1 घंटे की जगह सिर्फ 1/2 घंटा खुलेगा। अभी इनका दिमाग ठंडा नहीं हुआ है। तो एसपी साहब समझ गए कि ये लोग बेकार में उनको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो फिर से दंगा शुरू कर देंगे, इसलिए उनको डांट के भगा देते हैं। बोलते जाओ यहाँ से, वरना तो मैं अभी के अभी सबको जेल में भर दूंगा। और ये ऐलान करवा दिया कि अगले दिन से क्या होगा, 1 घंटे के बजाय 1/2 घंटा का ही कर्फ्यू खुलेगा। तो लोगों को और भी गए थे अपना समस्या का समाधान करने, उल्टा और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया।